बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने को निर्देशक शशांक खेतान और कोरियोग्राफर तुषार कालिया के साथ टेलीविजन चैनल कलर्स द्वारा लॉन्च किए गए नए शो टैलेंट हंट शो डांस दीवाने को जज करती नजर आएंगी, जिसमें एक ही स्टेज पर तीन पीढ़ियों की पेशकश देखने को मिलेगी। इस शो को टेलीविजन कलाकार अर्जुन बिजलानी होस्ट करेंगे। तो डांस दीवाने में एक खासियत ये है इसकी कि पहली बार रियलिटी शो में कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब किसी भी एज के हो सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें तीन जनरेशन्स कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, यंगस्टर्स, यूथ और एडल्ट्स। मेरा पहला शो एज अ होस्ट, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत मस्ती होती है, यू कैन हैव सो मच फन एज अ होस्ट, तो मज़ा आ रहा है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डांस शो का होस्ट बनूंगा। यह शो एंटरटेनमेंट की रात की जगह दिखाया जाएगा, जिसमें हर जगह के प्रतिभागी होंगे, जिसमें बच्चों, युवाओं और वयस्कों की तीन आयु वर्गों में बांटा जाएगा। हर कैटेगरी का एक फाइनलिस्ट फाइनल में जाएगा। शो का प्रीमियर 2 जून को है। जब कलर्स चैनल मेरे पास आया ये शो का फॉर्मेट लेके, जिसका नाम था डांस दीवाने, जो सबसे अपीलिंग चीज़ मुझे लगी थी वो ये है कि इस शो में एज लिमिट नहीं है। शो का नाम है डांस दीवाने, आप कितने भी उम्र के हो आप आके इस फॉर्मेट में डांस कर सकते हैं, इस मंच पे डांस कर सकते हैं। तो मुझे ये सबसे यूनिक चीज़ लगी थी इस शो के बारे में। तीन जनरेशन जो हैं वो हैं कि हमने एज ब्रैकेट दिया है एज जनरेशन को, फ्रॉम 4 to 18, 18 to 35, 35 एंड अबव। सो देयर थ्री जनरेशन कम्पीटिंग टुगेदर, सो इट्स गोना बी ग्रेट फन। वी हैव ऑलरेडी डन 3 episodes, वी हैव शॉट 3 episode ऑडिशन एंड ट्रस्ट मी वी हैव गॉट सम अमेजिंग टैलेंट। माधुरी ने फिल्म बकेट लिस्ट से मराठी फिल्मों में कदम रखा है, जो कि आज रिलीज हो गई। रेणुका और माधुरी को हम आपके हैं कौन के बाद 24 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म में माधुरी के रोल को आत्म प्राप्ति से संबंधित किया गया है।